आज मैं आप लोगों को स्ट्रेडल गैप अप या फिर डाउन कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। आप उसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपने यूट्यूब पर देखा होगा। हर कोई तो बता देता है नॉर्मल डे में, लेकिन मैं आज आप लोगों को गैप अप या फिर डाउन किसी में भी स्ट्रेडल को मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप स्ट्रेडल मैनेज करना सीख लेते हैं तो आप ऑप्शन में कभी भी लॉस नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा अगर स्ट्रेडल लॉस ना दे तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो देगा ही। तो यहाँ पे निफ्टी है, मैं निफ्टी पे दिखा देता हूँ। उस तरह से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ये जानकारी होना चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको ले लेता हूँ तो आप लोगों के लिए सहायता होगा, और भी मैं एक दिखाऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे 3-3 यानी कि 3 मार्च 2022 को यहाँ पे, तो ये मैं ऑफ्स्ट्रा पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 मार्च, यहाँ पे ये 3 मार्च, तो उसका एक्सपायरी होगा 10 का। तो यहाँ पे मैं 10 तारीख को ले लेता हूँ और 5 मिनट हट जाता हूँ। कोई भी एक अच्छा सा प्राइस देख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,700। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा, मैंने बताया हुआ स्ट्रेटजी में। जो लोग नहीं जानते हैं तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो कॉल्स और पुट्स दोनों को ही सेल करना होता है स्ट्रेटल में, जो लोग नहीं जानते हैं, और यहाँ पे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर गैप आप गैप डाउन हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। अगर आप एक बार मैनेज करना सीख जाएंगे तो गैप अप हो चाहे डाउन हो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट तो जीरो नहीं होगा ना। अगर आप इंडेक्सेस पे काम करेंगे तो ये काफ़ी सुरक्षित होगा। मैं सजेस्ट इंडेक्सेस पे ही करूंगा क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। स्टॉक हो सकता है 100 का 10 हो जाए, लेकिन इंडेक्सेस में उतना घबराने का जरूरत होता नहीं है। तो मैं नेक्स्ट डे चला जाता हूँ डे के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। लॉसेस हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में कितना प्राइस है, 90 रुपया 85 पैसा। और अभी मार्केट कहाँ पे है आप देख सकते हैं, 16,300 एट द मनी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको क्विट कर लेना है। इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसमें रहकर कोई भी फायदा है नहीं। तो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। और अभी एट द मनी कितना होगा, 16,300 ये एट द मनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपका क्वांटिटी होगा उसको आप दुगना कर दो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मार्जिन का इशू है, पैसा का इशू है। मार्जिन का इशू है तो क्या मैं डाल दूँ? आप अपने हिसाब से करें जितना आपका कैपिटल होगा। मैं तो आप लोगों को फंड ट्रांसफर नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से ही करें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं। तो आप किसी भी वक्त ये मैनेज कर सकते हो, कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कितना लॉसेस से कितना आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस भी आप देखें, यहाँ पे कुछ रह गया है क्या? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से फिर से क्विट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, फिर ही ये इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मार्केट कितने पे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,800। देखो कितना नीचे आया हुआ है मार्केट, 15,800। सेम क्वांटिटी कर देंगे सेल। आप बोलेंगे कि ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर का ही तो वेट कर रहे हैं, ऊपर आने दो ना, फिर तो आप प्रॉफिट में आओगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट पे आ चुके हैं। तो लिए कहाँ थे आप देखो, और अभी कहाँ पे हैं, फिर भी प्रॉफिट पे हैं स्ट्रेडल। काफ़ी सारे लोग गैप अप गैप डाउन, कहाँ मार्केट था और कहाँ आया हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप पर कि हाँ आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड इतना बताया नहीं है, बस एक से क्विट करना है और दूसरे में एंट्री कर लेना है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो मैं अगर बताऊँगा तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। तो बाकी में अगर आप लोगों को ऑप्शन से पैसा कमाना है तो मैंने शेयर मार्केट लाइफ चेंजिंग कोर्स एक लॉन्च किया हुआ है जो सिर्फ 4999 पे है। यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी है। मैं जानता हूँ कि इस कोर्स में मैंने क्या दिया हुआ है, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेस्कटॉप में आइए,
डेस्कटॉप वर्जन को यूज़ करें। यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, सब कुछ मैंने दे रखा हुआ है। आप ऑप्शन के साथ साथ जो भी शेयर मार्केट में होता है, आप कैसे प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, जब मान लो मार्केट ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है और आपका लॉस हो रहा है स्ट्रेडल पे, जब भी प्रॉफिट में आ जाए आपके हिसाब से वहाँ पे आपको एग्जिट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मैनेज हो चुका है, फिर एक को ढूंढ लेते हैं। तो अभी तो मैंने रिसेंट का दिखाया हुआ है और एक मैं दूर से ले जाता हूँ, ठीक है। दूर से लूँगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, ये सिनारियो तो हर किसी के याद में होगा ही यहाँ पे। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो ये है 5 मार्च 2020 यहाँ पे, तो इसको भी ले लेते हैं। तो उसे रिसेट कर देते हैं और यहाँ पे मार्च 5, तो उसका एक्सपायरी होगा 12 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पे चले जाते हैं, तो ये रहा 12 मार्च, तो थोड़ा हट जाते हैं। तो यहाँ पे अभी 11,300 आप एट द मनी मान सकते हैं, तो 11,300 तो ये एट द मनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप अपने कैपिटल के हिसाब से इसे डिप्लॉय करें, मैनेज करने का भी पैसा रखना। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। तो इस लॉसेस को देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को इस लॉसेस को देख के घबराना नहीं है। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाए कि आप उसे मैनेज कर सकते हो। लॉसेस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा हुआ है। सी पे 29 रुपया, उसे कोट कर लेते हैं। तो अभी मार्केट कहाँ पे है, 10,900 इसमें 10,900 यहाँ पे कर दो डबल। तो फिर से जाते हैं, यहाँ पे आप देखो एक दिन के मैनेज में क्या हो गया, देख रहे हो। तो फिर से देख लेते हैं किस में क्या है। तो उसमें तो पैसा है ही नहीं, तो उससे भी क्विट कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि बार बार आप क्विट कर रहे हो, ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक बार ले रहे हो, और भी काफ़ी सारे स्ट्रेटजी है, तो ना जाने कितने बार लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एट द मनी है मान लो 10,700। फिर से कर लेते हैं सेल। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रीमियम कितना है, 29.05। तो यहाँ पे आप लोगों को 29.05 से एग्जिट कर लेना है, इसमें रह के कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है 10,500 पे जाते हैं, 10,500 एट द मनी कर लेंगे सेल डबल लॉट पे, जो भी आपका पहले का लिया हुआ होगा उससे डबल। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे हिसाब से इसी डे पे अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके चेक करना होगा। आप लोगों को अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप लोगों को नेक्स्ट डे भी, ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप लोगों को घबराना नहीं है, ये आप देखें मैनेज हो चुका है ना। अगर आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, अगर बड़ा लॉसेस के बाद अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप लोगों का जो भी लॉसेस है उसे रिकवर करने के लिए आप लोग फिर से प्रॉफिट में मत चले जाना कि मुझे प्रॉफिट लेके ही निकलना है। हाँ, ये जो लॉसेस हुआ है वही आपका प्रॉफिट है, तो आप लेके निकल जाओ। कितना दिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे, कितना दिन इस तरह से गैप अप गैप डाउन होता है, आप देखो कितना दिन होता है। किसी हफ्ते अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कोई बड़ा बात थोड़ी है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन लॉसेस नहीं देना है, यही सबसे बड़ा बात है। जो मैंने इस कोर्स में पूरे डिटेल से बताया हुआ है, और भी
काफी कुछ चीजें हैं, ये तो बस मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है। आप लोगों के खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है ना आपके अगर खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो। कॉन्फिडेंस आप लोगों को इस कोर्स से मिल जाएगा। हर चीज़ में यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें प्रीमियम होता है और जो लोग सीखने के लिए तैयार है तो वो तो थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं। ये मार्केट है, अगर आप इसका स्ट्रेटजी जान जाएंगे तो उसमें पैसा कमाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छा गाइड मिलना चाहिए, तो वो मैं इस कोर्स में पूरे डिटेल से बताया हुआ हूँ। वो आप लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। आप इसमें एक बार एनरोल करके ज़रूर देखें, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, इसीलिए मैंने 100% मनी बैक गारंटी रखा हुआ है। खुद पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? तो और थोड़ा जाके देख लेते हैं। इस तरह से रुकना नहीं है, जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तो आप लोगों को निकल ही जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो रुकने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका ये लॉसेस से आप कवर करके आए हुए हैं, तो आप एक्सपायरी से पहले ही आप निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को एक्सपायरी तक ही रुकना है, लॉसेस हो चुका है, आप एवरेज करके ब्रोकरेज के साथ ही आप निकल जाओ। ब्रोकरेज आप बोलते हो ना कि ब्रोकरेज लगेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पाँच में मान लो मैं 100 रुपया करके लेता हूँ, 500 रुपया, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज लेके भी निकल सकते हो अगर किसी ट्रेड में फंस जाते हो, लेकिन इसका लॉजिक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक आप लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप कर लेंगे तो आप लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है? इस तरह से नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो इसमें है और भी मैनेज करने का तरीका है। तो पहले आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए आप किसके साथ टक्कर ले रहे हो। टक्कर तो बड़े लोग यानी कि जो जानते हैं उनके साथ ले रहे हो, लेकिन अगर आप वो चीज़ें जान जाएंगे जो बड़े लोग जानते हैं, भले ही आपके पास कैपिटल कम हो, लेकिन उनके साथ तो आप लड़ाई कर सकते हो ना। तो जो लोग भी बोलते हैं कि गैप अप गैप डाउन, मैंने तो इस वीडियो में गैप डाउन ही बताया हुआ है। ज़्यादा रिस्क तो गैप डाउन में ही होता है, ऊपर जाएगा वो भी मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बस आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से मैनेज करना है। तो पहले आप जान जाए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ऐसा है, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, फिर से ऊपर चला जाएगा। ऊपर आने दो ना, ऊपर आने के बाद ही तो आपको प्रॉफिट होगा। जाने दो ऊपर, जाने दो नीचे, कहीं पे तो जाके रुकेगा। ऐसा नहीं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जीरो हो जाएगा। तो खुद पे आप कॉन्फिडेंस रखें तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।